भारत का सौभाग्य है कि इस 21वीं सदी में हमारे पास आदरणीय यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के रूप में एक सशक्त प्रधानमंत्री है नेता और राजनेता तो बहुत होते हैं परंतु लोगों के दिलों पर राज करने वाले कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं मैंने तो संसार की धरती पर देखा है उससे पहले का हिंदुस्तान और उनके आने के बाद का भारत जमीनी स्तर पर बदलाव करने वाले वैश्विक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तित्व तो कभी कभी आते हैं कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं वो भी पूर्ण भाव से समर्पित और माननीय मोदी जी उनमें से एक हैं मुझे लगता है हर भारतीय ने ये महसूस किया होगा कि केवल भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि हमारे अपने हैं वो प्रधानमंत्री होना और अपनापन होना ये बहुत बड़ी बात है उनका जो पावरफुल लीडरशिप है सशक्त नेतृत्व है नया माहौल नई रोशनी नया उजाला नया सवेरा ये सब दिखाई पड़ता है क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग धीरे धीरे समझ में आते हैं कई लोगों को समझ में नहीं आती ये बात उनके पास अपना एजेंडा हो सकता है लेकिन सच मानो जब देश का एजेंडा हो जाएगा राष्ट्र का एजेंडा होगा ये बात बहुत आराम से समझ में आ जाएगी कि उनके नेतृत्व में मोदी जी के नेतृत्व में भारत देख रहा है कि उनके द्वारा उठाया गया हर कदम एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है हिमालय जैसा विराट व्यक्तित्व और गंगा जैसी पवित्रता और ईमानदारी के लिए वे मैं तो कहूँगा कि पहचाने जा सकते हैं मन की बात जब वे अपने मन के माध्यम से अपने देशवासियों से संवाद स्थापित करते हैं ना तो लगता है मानो भारत के अंतिम छोर पर खड़े हुए उस व्यक्ति के दर्द को वे सहजता से सरलता से महसूस कर रहे होते हैं मोदी जी मन की बात के माध्यम से संवाद करें या फिर अमेरिका में हाउडी मोदी ह्यूस्टन इवेंट हो या मोटेरा का नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम हो या विश्व का कोई भी मंच हो उनके उद्बोधन के माध्यम से उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा और भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित ही किया है हमेशा और फिर विविधता में एकता की संस्कृति के रक्षक संरक्षक मोदी जी की नीति और रणनीति हमेशा राष्ट्र को समर्पित रही है वे राष्ट्र नीति के पुरोधा हैं चाहे वफादारी हो ईमानदारी हो रवादारी और साफ नीयत ये उनके स्वभाव के स्वाभाविक गुण हैं जिससे उन्होंने देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी एक नई रोशनी और दिशा प्रदान की है और तभी आप दशा बदलते हुए देख सकते हैं समय लगेगा लेकिन बदल रही है एक नए भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के पटल पर भरोसेमंद साथी और विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ओ डी एफ फ्री इंडिया स्वच्छ भारत अभियान सबका साथ सबका विकास आत्मनिर्भर भारत आयुष्मान भारत योजना हो जनधन योजना हो समावेशी और विकासोन्मुखी विकास की बात हो स्वच्छ और साफ वैश्विक रणनीति की बात हो विश्वविख्यात स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्शन तो देखिए आप जैसे अनेक अद्भुत काम उनके द्वारा हुए हैं और ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए हैं लोकल को वोकल और फिर ग्लोबल बनाने का जो दृष्टिकोण वास्तव में बहुत दूरदर्शी योजना है हम बात करें तीन तलाक की धारा 370 की या फिर राम मंदिर निर्माण की इन सभी फैसलों ने मजहबी फासलों को मिटाने का विलक्षण कार्य किया है और भारत की पंथ निरपेक्षता को बहुत मजबूत किया है मैं तो उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्यों को राष्ट्र सेवा मानता हूं और ये भारत की आत्मा को छूने वाली सेवा है सबका साथ सबका विकास सतत और सुरक्षित विकास साफ नीयत और सब पर विश्वास सचमुच वे सही विकास के नायक हैं मोदी जी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि निष्ठा के साथ कार्य करते हैं मोदी जी का प्रत्येक कार्य आत्मविश्वास आत्मबल और संकल्पों से भरा होता है वे एक ऐसे आध्यात्मिक पुरोदा है ना जो गांव, गंगा गरीब और राष्ट्र गौरव के लिए संकल्पित हैं जिनका हर फैसला साहसिक और दूरगामी परिणाम बनाने वाला होता है और सब देख रहे हैं उनके पूरे जीवन पर नज़र डालें तो उनका पूरा जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित है उनके नेतृत्व में हमारा राष्ट्र अखंड भारत के रूप में के साथ साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ सुंदर समृद्ध सशक्त और समुन्नत भारत बनेगा ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसे महापुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनका जन्म दिवस है दिवस के अवसर पर बस एक ही गिफ्ट है माँ गंगा का आशीर्वाद यहाँ से परमार्थ परिवार निकेतन ऋषिकेश से उनके लिए शुभकामनाएँ कि भारत को उनका नेतृत्व लंबे समय तक मिलता रहे और हमारा राष्ट्र आबाद गति से गंगा के पावन प्रवाह की तरह उन्नति करता रहे हम भारतीयों को हमेशा याद रखना होगा कि हमारा राष्ट्र पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है हम सभी नागरिक आपस में मिलकर रहेंगे सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे आपसी प्रेम और भाईचारा बनाकर रखेंगे तो निश्चित रूप से भारत की अखंड अक्षुण धारा सदा प्रवाहित रहेगी हर भारतीयों को पूर्ण निष्ठा के साथ भारत माता के लिए समर्पण भाव से कार्य करना होगा क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम अब बारी हमारी है आइए हम भी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को समझें तथा देश का मिलकर विकास करें देश के विकास में ही हम सबका विकास है आइए अपना वतन चमन बने और देश में अमन बना रहे वतन में अमन बना रहे वतन की खुशबू सात समुंदर पार तक फैले इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा मिलकर आगे बढ़ना होगा एक रहना होगा अनेक रहते हुए भी हमें सबको एक रहना होगा सबका सम्मान करना होगा संविधान का सम्मान करना होगा संविधान ही हमारे देश का समाधान है आइए आज उनके पवित्र जन्म दिवस पर ये प्यारा सा तुलसी का पौधा हम सब अर्पित करते हैं और आइए आज के दिन पौधे लगाएं पेड़ लगाएं उनके जन्मदिवस पर और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा अर्पण सबसे बड़ा तर्पण और सबसे बड़ा समर्पण होगा इस देश के संस्कृति के लिए इस देश के ऋषियों के लिए और इस देश को समर्पित होने वाले आदरणीय मोदी जी के लिए धन्यवाद